आ चुके हैं सोरो में एंड वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी सोरो सीरीज का पार्ट टू है। तो पहला पार्ट हमने कचला में खत्म किया, अब दूसरे पार्ट में हम सोरो के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं यहाँ घूमने आए। तो वैसे सोरो जो स्थान है इसका पुराणों में नाम इसका उकल तीर्थ है, जबकि प्राचीन समय में इसे सौरय नाम से जाना जाता था। सृष्टि का कहीं उद्गम स्थल है तो वह सोरो में ही है, ऐसा हमारे धर्म जानकार बताते हैं। और सोरो स्थान एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ जब भी आप आएं तो यहाँ कई सारे मंदिर बने हुए हैं घूमने के लिए, यहाँ आप घूम सकते हैं। यहाँ इतिहास के महान कवि तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। यहाँ आमतौर पर लोग प्रतिदिन घूमने आते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ जो देखने को मिलती है वो पूर्णमासी और अमावस्या और रामनवमी के दिन मिलती है। दोस्तों, आज हम जिस जगह पर खड़े हैं उसका धार्मिक कथाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस जगह का नाम है सोरो। सोरो में हर की पौड़ी में अक्सर लोग यहाँ अपने पूर्वजों की अस्थियाँ विसर्जित करने आते हैं, जहाँ वे अस्थियाँ 72 घंटे में ही पानी में घुल जाती हैं। वैज्ञानिक आज भी जांच कर रहे हैं कि यहाँ 72 घंटे में अस्थियाँ कैसे घुल सकती हैं। ये आज भी सिर्फ एक राज है। सोरो वही जगह है जहाँ तुलसीदास ने अपने गुरु नरहरदास से सबसे पहले रामायण की कथा सुनी थी और फिर रामचरितमानस की रचना की। कई सारे मंदिर दिए हुए हैं, जैसे बड़ा देवता का मंदिर है, दूधेश्वर महादेव मंदिर है, तो अभी हम आपको सभी घुमाने वाले हैं। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं बड़ा देवता के मंदिर, जो कि यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है। ये देखिए मेरे पीछे बना हुआ है मंदिर। तो अभी जरा इसके बारे में कुछ बात करते हैं हम। तो गाइस, यहाँ के ये सबसे फेमस मंदिर है बड़ा देवता का मंदिर। यहाँ इन्हीं की वजह से ही इस क्षेत्र को सूकर क्षेत्र कहा जाता है। सूकर क्षेत्र का मतलब है सूअर का स्वरूप, यानी कि विष्णु भगवान ने सूअर का रूप धारण किया था। तो अभी क्यों किया था, कैसे किया था, अभी मैं आपको इसका इतिहास बताता हूँ। आज से 3.5 से 4 हजार साल पहले जब पृथ्वी पर हिरण्याक्ष नामक राक्षस का आधिपत्य हो गया और उसने सारे देवताओं को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब सारे देवतागण विष्णु भगवान के पास सहायता मांगने गए। उसके बाद विष्णु भगवान ने अपना सुकर रूप इसी जगह धारण किया और हिरण्याक्ष का वध कर समस्त पृथ्वी को उस राक्षस के प्रकोप से बचाया। इसी क्षेत्र में बाद में उद्देश्य पूर्ण होने पर अपना सुकर रूप त्यागा। इसी कारण मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 11 को सदियों से यहाँ मेला लगता आ रहा है, जो आज भी उस तरह खुशी से मनाया जाता है। पूर्व में सोरो बराह क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन बाद में सोलंकी वंश के शासकों ने इसका नामकरण सूकर क्षेत्र के रूप में किया, सोरों के रूप में जाना जाता है। इसी स्थान पर हर की पौड़ी कुंड की एक ओर लड्डू बाले बालाजी का प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है। इसके बाद हम बटुकेश्वर मंदिर की ओर बढ़े। इस मंदिर की खासियत यह है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दुनिया में 4 प्रकार के बटवृक्ष बताए गए हैं, जिनमें से एक बटवृक्ष प्रयागराज में स्थित है, जिसे अक्षय वट के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हमारे सोरो में स्थित है, जिसे हम सिद्धि वट के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगली वीडियो में हम सोरो के
अन्य प्रसिद्ध स्थानों को दिखाएंगे।